सेल्फ ग्रेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी से जश्न मनाना या जिम्मेदारी के साथ जश्न मनाना। रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी से, जिम्मेदारी से, जिम्मेदारी के साथ और या के साथ सेलिब्रेटिंग जश्न मनाना, जश्न मनाना। इली इज़ अ वेरी स्वीट एंड इंटेलिजेंट चाइल्ड। अब एक कॉमा इसके बारे में भी मैंने आपको वीडियो में बताना है कि किस लिए यूज़ होता है कॉमा, तो आज वो पढ़ना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। इली इज़ अ वेरी स्वीट, इली एक बहुत प्यारा एंड इंटेलिजेंट ज़हनी चाइल्ड बचा है। वेरी स्वीट इसकी सिफ्ट है, बहुत ये वेरी बहुत स्वीट प्यारा एंड और इंटेलिजेंट जहीन जहीन चाइल्ड बचा, जहीन बचा है। ही लिसन टू एंड नोटिस वेरी एवरीथिंग वेरी केयरफुली। ही लिसन उसने सुनी टू एंड नोटिस्ड और नोटिस किया, गौर किया, महसूस किया एवरीथिंग वेरी केयरफुली, हर चीज़ को वेरी केयरफुली बहुत गौर से सुना। अब इसका ये क्या होगा आगे से, ये लिसेंट उसने बात सुनी या उसने सुना, लिसेंट उसने सुना। आगे से हम ये करेंगे इन ब्रैकेट बात को, बात को ही उसने सुना। ये लिसेंट टू एंड नोटिस्ड, लिसेंट टू उसने गौर से बात की, गौर से वेरी केयरफुली गौर से सुना, नोटिस ने उसने महसूस किया, नोटिस किया एवरीथिंग हर चीज़ को, एवरीथिंग सब कुछ, इसने सब कुछ बहुत गौर से सुना और देखा एंड नोटिस्ड, ये महसूस ना देखना एवरीथिंग हर चीज़ हर बात को, एवरी थिंग सब कुछ ये, और इंटरन करेंगे हर चीज़ हर बात को गौर से सुना और देखा वेरी केयरफुली बहुत गौर से, वेरी केयरफुली बहुत गौर से सुना, लिसन सुना एंड नोटिस्ड और महसूस किया देखा नोटिस्ड देखा और या महसूस किया। दो, अगरचे ही वॉज वेरी यंग, वो बहुत छोटा था, अगरचे वो दो, अगरचे दो का मतलब होता है अगरचे दो, अगरचे ही वॉज वो था वेरी यंग बहुत छोटा। यहाँ तक स्टॉप करते हैं क्योंकि आगे से फिर वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, वो भी पढ़ना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर। तो आते हैं हम अपने असल मुद्दे पे जो हमने पढ़ना था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट। अब इसका साथ ही एक और विषय बीच में जिसके बगैर ये दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ये देखें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, द पर्सन और थिंग दैट डज दैट डज सम थिंग, वो शख्स और थिंग और या थिंग दैट डज समथिंग, वो शख्स या चीज समथिंग जो कुछ करता है, समथिंग जो कुछ करता है, फाइल फाइल काम करने वाला उसे कहते हैं, करते हैं ये देखिए वो क्या कहलाते हैं, फाइल सब्जेक्ट काम करने वाला कहलाता है। आगे इसकी
अब इसे थोड़ी जगह हम आगे करते हैं, इसको वर्ब क्या है, डिस्क्राइब एक्शन एंड स्टेट, डिस्क्राइब बयान, डिस्क्राइब एक्शन एंड स्टेट किसी काम या हालत को बयान करना। इस वाइट नोट को थोड़ा सा मैं उठा लूँगी क्योंकि ऐसे इसमें पूरा नहीं आ रहा, ये आप नोट कर लें, फिर मैं इसको थोड़ा सा इस साइड में चढ़ाई वाली साइड में सीधा कर लूँगी। अब इसको इस तरफ लिखना, अब चलते हैं ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट और अब फेल, इसको क्या कहते हैं, फेल, वो अब हो गया फेल, किसी काम या हालत को बयान करने वाले को वो अब कहते हैं। ऑब्जेक्ट विच एक्शन डन, जिस पर कोई काम किया जाए, एक्शन कार्रवाई, काम कार्रवाई, इसको रद्दअमल भी बोलते हैं। विच एनी कोई, विच जिस पर, इज डन कोई काम किया जाए, जिस पर कोई काम किया जाए, डन मतलब हो गया डन, डू डन किया जाए, जिस पर कोई काम किया जाए डन, डू करना डन किया जाए डन इज डन। अब ये ऑब्जेक्ट मफूल, मफूल इज मफूल आए ना यहाँ पर, मफूल ऑब्जेक्ट मफूल, ये जिस पर कोई काम किया जाए, ये जो इज डन किया जाए डन। अब आते हैं सेंटेंस की तरफ, इसकी एग्जाम्पल की तरफ, ये तीनों किस्में समा जाएंगे उसमें, वकास क्रिकेट खेलता है, वकास इसकी हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा, वकास प्ले क्रिकेट। अब मैं आपको समझा दूंगी फिर इसकी एक और रहती है सिर्फ, इसका बताना वकास, वकास क्या आ गया, सबसे पहले आता है इसमें, जब भी आप, मैं इस पर एक सेंटेंस है आगे मैं बता दूंगी, ये तीनों के मिलकर बने, ये एक जुमला बने, ये एक सेंटेंस है, वकास क्रिकेट खेलता है, वकास ये आ गया सब्जेक्ट, ये देखिए सब्जेक्ट ये आ गया वकास क्रिकेट, क्रिकेट का काम हो रहा है, ये आ गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ गया क्रिकेट, ये क्रिकेट ऑब्जेक्ट खेलता है प्लेज, ये आ गया वर्ब फेल, क्योंकि ये इसकी किसी काम या हाल को बयान करता है, इसकी ये काम है प्लेज खेलना, काम कर रहा है ऑब्जेक्ट, जिस पर कार्रवाई हो रही है, जिस पर काम हो रहा है, काम क्रिकेट पर हो रहा है, वो कौन सा काम करता है, क्रिकेट का काम करता है, क्रिकेट खेलता है, काम ही कर रहा है, तो आएगा ये, तो ये फेल आएगा, ये वर्ब आएगा, ये प्लेज ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा, ये सब्जेक्ट कौन है, वकास है, काम करने वाला है ना वकास, तो उसको बोलेंगे हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट काम करने वाला, फाइल भी उसको बोलते हैं। अब वो किस पर काम कर रहा है, क्रिकेट पर कर रहा है, तो हालत कौन सी है उसकी, काम करने की हालत को जो ये सेंटेंस बयान कर रहा है प्लेज, तो इसलिए इसको ये है पार्ट ऑफ, सॉरी सेंटेंस, हमेशा सेंटेंस इसी से बनता है, सब्जेक्ट वर्ब मफूल। थोड़ी सी लंबी डेफिनेशन है इसकी, क्या क्या चीज़ें और भी ऐड होती हैं इसमें, वो मैं अलग में आपको सेंटेंस की इसमें वीडियो में बता दूँगी, सेंटेंस में आगे से, ये जो पूरी अब सेंटेंस है क्या, थोड़ा सा मैं आपको और आगे समझा दूँगी, फिर आगे इसकी और भी मिसालें दूँगी, मैं आसान तरीके से समझाती हूँ कि किसी नए सीखने वाले को भी आसानी से समझ में आ जाए। अब ये पार्ट इसका समझा, अ सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन सॉरी एम कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, sentence that makes
कंप्लीट सेंस, अब सेंस है समझ, समझ कंप्लीट मुकम्मल। मैं एक बताता है जो कि बताता है, जो कि बताता है एक मुकम्मल समझ। ऐसा सेंटेंस इज है एक जुमला, जुमले का ऐसा कॉम्बिनेशन मजमुआ, हाफ सेंटेंस जुमले का। ऐसा सेंटेंस इज एक जुमला है अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, ऐसा मजमुआ लफ्ज़ों का, ऐसा मजमुआ जुमले का, ऐसा अल्फाज का एक मजमुआ होता है। ये देखें, सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, लफ्ज़ों जुमलों अल्फाज का ये सेंटेंस, अल्फाज का ए सेंटेंस इज एक जुमला अल्फाज का ऐसा मजमुआ होता है। जुमला अल्फाज का ऐसा मजमुआ होता है जो हमें मुकम्मल, हमें मुकम्मल समझ देता है, मेक्स बताता है, ये तेरे के बताता है कंप्लीट सेंस मुकम्मल समझ। उम्मीद है कि आप सही तरीके से इसकी समझ आई होगी कि ये जो मैंने सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट बता दिया, ये सेंटेंस के बगैर सेंटेंस जुमला मुकम्मल नहीं होता, जुमला बनता ही नहीं इनके बगैर, जब भी उसमें ना वर्ब हो ना ऑब्जेक्ट हो ना सब्जेक्ट हो तो फिर काहे का सेंटेंस हो गया। अब इसका जो लास्ट वाला है स्टेप वो है प्रेडिकेट, इसके साथ वाला सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट, फिर इसको मैं साफ करके तो मिटा के तो सब इसके बारे में प्रेडिकेट ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बता के यहाँ पर इसकी डेफिनेशन बता के फिर आगे चलती हूँ इसके एग्जाम्पल की तरफ। अब प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट है द पार्ट ऑफ सेंटेंस, जुमले का हिस्सा, प्रेडिकेट जुमले का एक हिस्सा है। विच सेज, विच सेज सम थिंग्स, सम थिंग अबाउट सब्जेक्ट्स, अबाउट सब्जेक्ट्स। ये मैंने पहली वीडियो में बता दिया है कि अपोस्ट्रॉफी ऊपर वाला काम है, ये क्यों लगता है, उसके बाद इसके लगता है, ये मैंने आपको बता दिया कि मल्टी थ्री लगता है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, देख लेना। सब्जेक्ट्स एक्शन यानी कार्रवाई अमल एनिमल के बारे में, द पार्ट ऑफ सेंटेंस जुमले का एक हिस्सा है, जुमले का हिस्सा है। विच जो सेज बताता है, समथिंग जो कुछ, अबाउट सब कुछ, आप सब कुछ कह सकते हैं, सब कुछ अबाउट है इसका तो सब कुछ ही मतलब, सब कुछ अबाउट मतलब के बारे में, के बारे में मतलब सब्जेक्ट्स इसके काम करने वाले के, सब्जेक्ट के एक्शन कार्रवाई रदमन के मतलब, देखिए कार्रवाई ये जो कुछ करता है ये सब्जेक्ट उसके मतलब हमें खबर देता है, हमें बताता है इसके बारे में। ये देखिए अब इसके बारे में ये हो गया प्लेज क्रिकेट, अब वो सुनिए देखिए। अब ऐसे मैं इसको मिटा के फिर बताती हूँ इसका, ये देखिए प्रेडिकेट। अब मैंने इसकी डेफिनेशन बता दी क्या है किसके बारे में। अब ये है हमने लिखा हुआ है वकास, अब वकास क्या है, सब्जेक्ट है ना, और ये प्लेज क्रिकेट, ये सब इसका हो गया प्रेडिकेट, क्योंकि वो हमें इसकी इसकी कार्रवाई के मतलब इसके काम को भी बताता है और किस पर काम कर रहा है उसके बारे में भी ये हमें बताता है कौन प्रेडिकेट, इसकी मतलब एक आम कॉमन बात, इसको हम पेशगोई कहते हैं, पेशगोई, इसको प्रेडिकेट को पेशगोई बोलते हैं। अब ये इसका हो गया प्रेडिकेट, प्रेडिकेट ये जुमले का। अब एक सेंटेंस जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है, ये टेंस कितने पर है, सब्जेक्ट एक प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रेडी के, ये हो गए इसके पार्ट में फोर, किसके सेंटेंस के, जुमले के, जुमले के तब एक जुमला कंप्लीट होता है।
थोड़ा सा इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी, प्रेडिकेट सब के बारे में। ये देखिए, मैं आम खाता हूँ। अब होगा इसका आई ई मैंगो। अब मैं सब्जेक्ट आई सब्जेक्ट एंड सब का मैं बताऊंगी, प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट व सब्जेक्ट। खाता हूँ, ईट ये वर्ब, मैंगो ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैंगो पर काम हो रहा है ना, इसने मैंगो खाया तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। किसने? सब्जेक्ट ने। सब्जेक्ट पर काम ये इसकी हालत को जाहिर कर रहा है। जो आगे मैंने आपको बता दिया पूरी डेफिनेशन, यहाँ पर फिर वक्त ज़ाया नहीं करती। आगे ये अब इसका जो देखना है वो प्रेडिकेट क्या होगा, ये देखिए। आई सब्जेक्ट प्रेडिकेट इसका वो कर रहा है, इसकी मतलब सब्जेक्ट की वो इसके बारे में, इसके जो काम वो उसको हालत को जाहिर कर रहा है, इसकी पेशगोई समझो। आई ये मैंगो, ये हो गया प्रेडिकेट का, इसको छोड़ कर, क्योंकि ये सब्जेक्ट की इस हालत को जाहिर कर रहा है कि सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट ने जो कुछ किया वो इसको बयान कर रहा है, इसको इसको छोड़ के। अब यहाँ पे ये मैं को छोड़ कर मैं जो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट की इसको बारे में पेशगोई कर रहा है। अब आपको समझ आई होगी मेरी वीडियो लॉन्ग हो जाती है, अब जो भी समझाऊँगी वो दूसरे स्टेप में वीडियो बनाया करूँगी, एक ही स्टेप में ये लंबी हो जाती है वीडियो लॉन्ग हो तो फिर। अब आ गया आखिर पे, ये कितने में रह जाता है इसका। अब है सब्जेक्ट किस तरह का हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है, सब्जेक्ट में भी सब्जेक्ट हो सकता है किस तरह का, ये देखिए। वन ए सिंगल अ सिंगल वोट, टू ग्रुप ऑफ वोट्स, ग्रुप ऑफ वोट्स। अब यहाँ पर थैंक यू मैक्सम शी वॉल ट्रैकिंग सिंगल ग्रुप, ये हो गया सिंगल वोट, वो एक ही है ना, शी एक। माई फादर वॉज ट्रैकिंग, वो बात कर रही थी, ये मेरा बाप बात कर रहा था, सिंगल, ये दोनों हो गए सिंगल, सिंगल वर्ड। शी वॉज, वो अकेली थी, ये इसका ग्रुप हो गया। माई फादर वॉज टॉकिंग, ए सिंगल, अकेला बाप ही है, पर ये ग्रुप बन गया क्योंकि मेरा बाप। अब ये सिंगल का ग्रुप ये, अब इसे मज़ीद आगे थोड़ा बड़ा ग्रुप कैसे बना लेंगे हम। माय ब्रदर्स फ्रेंड वॉज टॉकिंग, अब ये इसका इससे बड़ा ग्रुप हो गया, ये सिंगल, ये इससे थोड़ा टू स्टेप में बड़ा, और इससे बड़ा ये मेरे भाई के, ये अपोस्ट्रॉफी के बारे में मैंने आपको बताया हुआ पहले वीडियो में, तो वीडियो देख लेना कि ये क्यों लगती है इसका, ये बल्कि मेरे भाई के दोस्त बात कर रहे थे या कर रहा था, मेरे भाई का दोस्त, ये के मेरे भाई का दोस्त बात कर रहा था, इस का मतलब है ये अपोस्ट्रॉफी जाहिर करता है, इसकी मलकियत को जाहिर करता है, ये मैंने तफसील से वीडियो बनाई हुई है।
अब सही से समझ आई होगी, ये दो अफराद का ग्रुप है, मैं और मेरा बाप, दो अफराद का ग्रुप, ये है सिंगल, वो वही एक अकेली बात कर रही थी, ये है मैं मेरा बाप, दो आदमी का ग्रुप, ये हो गया ये। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दो का ग्रुप मैंने समझा दिया, अब ये माय ब्रदर्स फ्रेंड, तीन का ग्रुप, ये जबकि ये है सिंगल, टू ग्रुप एंड थ्री, ये दो तीन अफराद ऐसे मुझे इसके ग्रुप बन सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है सब्जेक्ट। आगे फिर वीडियो को करते हैं एंड।